दर्शकों, आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा के बारे में, जिनके बारे में अक्सर आपने सुना ही होगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेनका के बारे में। तो चलिए बताते हैं मेनका के बारे में कि आखिर मेनका कौन थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दर्शकों, आपको बता दें कि मेनका स्वर्ग की बहुत थी, यानी कि सबसे सुंदर अप्सरा थी। जानकारी के लिए बता दें कि देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के नए सृष्टि के निर्माण के तप से डर कर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को पृथ्वी पर भेजा था। और मेनका जब पृथ्वी पर आई तब उन्होंने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। और फिर क्या, इसके बाद विश्वामित्र ने मेनका से विवाह कर लिया और उनके साथ वहीं वन में रहने लगे। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में ही डूब गए थे। वहीं विवाह के बाद मेनका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था जिसका नाम था शकुंतला। जी हाँ, जब शकुंतला छोटी थी तभी एक दिन मेनका उससे और विश्वामित्र को वन में छोड़कर स्वर्ग वापस चली गई। विश्वामित्र का तप भंग करने में सफल होकर मेनका देवलोक लौटी तो वहाँ उनकी कामोद्दीपक शक्ति और कलात्मक सामर्थ्य की भूरी भूरी प्रशंसा हुई और देव सभा में उनका आदर और ही बढ़ गया था। और ये सब मेनका ने देवराज इंद्र के कहने पर किया था। इतना ही नहीं, पौराणिक कथा के अनुसार बता दें कि शकुंतला की माता मेनका इस लोक की नारी नहीं है, देवलोक की अप्सरा थी। महर्षि विश्वामित्र की घोर तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने मेनका को कुछ समय के लिए नारी शरीर धारण कर मृत्युलोक में रहने का आदेश दिया था। महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना चाहते थे। विश्वामित्र ने ब्रह्मदत्त के अधिकार और पद को पाने के लिए ये घोर तप किया था। वहीं ब्राह्मणों और देवताओं ने विश्वामित्र के तप की श्लाघा से उन्हें महर्षि से ऊंचा और राजश्री पद देना स्वीकार किया। परंतु विश्वामित्र के क्षत्रिय कुलोद्भव होने के कारण देवताओं और ब्राह्मणों ने उन्हें समाज के विधायक महर्षि का पद देना स्वीकार नहीं किया। विश्वामित्र देवताओं और ब्राह्मणों की व्यवस्था और शासन में ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात देखकर देवताओं की सृष्टि और ब्राह्मणों की व्यवस्था से असंतुष्ट हो गए और उन्होंने ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए देवताओं और ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित और शासित सृष्टि और व्यवस्था की प्रतिद्वंद्विता में नई सृष्टि और नई व्यवस्था की रचना करने का निश्चय कर लिया था। देवताओं और ब्राह्मणों ने सृष्टि की व्यवस्था पर अपने अधिकार के प्रति विश्वामित्र को इस चुनौती को क्षुद्र मानव का क्षुब्ध अहंकार ही समझा। परंतु विश्वामित्र दृढ़ निश्चय से नई सृष्टि की व्यवस्था करने की रचना के लिए तप में लग गए थे। इसके बाद विश्वामित्र की सफलता का समाचार देवराज इंद्र तक पहुंचने लगा और इंद्र जानते थे कि महर्षि विश्वामित्र का निश्चय तप भंग कर देना अत्यंत कठिन था और वे जानते थे कि किसी भी शक्ति का भय अथवा संपदा का प्रलोभन विश्वामित्र को अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता है। इंद्र ने विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए स्वयं उनकी शक्ति विश्वामित्र के मानव शरीर के कार्य कारण भूत प्राण शक्ति सृजन शक्ति का उपयोग करने का निश्चय किया। देवराज ने विश्वामित्र के अस्तित्व अथवा शरीर में व्याप्त सृजन शक्ति को वश में कर उन्हें तप के लक्ष्य से विमुख करने का उत्तरदायित्व देवलोक की प्रमुख अप्सरा मेनका को सौंप दिया था। मेनका इंद्र के आदेश से महर्षि विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए मृत्युलोक आई थी और इसी कारण मेनका को इतना जाना जाता है। तो देखा दर्शकों आपने कि मेनका ने कैसे अपने खूबसूरती से विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। तो ये थी मेनका, जो कि इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने विश्वामित्र के इतने कठोर तप को भी भंग कर दिया था। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।